आईपीएल 2019 के राइवलरी वीक का रोमांच अपने चरम पर। कल दिल्ली और मुंबई के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम ने दिल्ली को 40 रनों से हराया। इसके साथ ही मुंबई की टीम की इस सीजन में यह छठी जीत। इस जीत के साथ मुंबई की टीम अंक तालिका में भी दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं दिल्ली की टीम को इस सीजन में यह चौथी हार मिली। आइए डालते हैं इस मैच से जुड़े कुछ दिलचस्प एंड रिकॉर्ड पर नजर। आईपीएल सीजन 12 के राइवलरी वीक में कल मुंबई ने दिल्ली को उसके घर में 40 रनों से हरा दिया। इस सीजन में मुंबई की ये 9 मैचों में से छठी जीत है, वहीं दिल्ली की टीम को चौथी हार मिली है। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम सीएसके के बाद अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं इस सीजन में दिल्ली की टीम को अपने घर में ये तीसरी हार मिली है। सीजन 12 में दिल्ली अपने घर में अब तक कुल 4 मैच खेल चुकी है। मुंबई के हाथों मिली हार के बावजूद दिल्ली के गेंदबाज अमित मिश्रा के नाम आईपीएल में एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। आईपीएल के इतिहास में मिश्रा 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। मिश्रा ने 140वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। मिश्रा के अलावा भारत के पीयूष चावला ने आईपीएल में 146 विकेट लेने का कारनामा किया है। आईपीएल में सबसे अधिक विकेटों के मामले में श्रीलंका के लसित मलिंगा पहले स्थान पर हैं। मलिंगा आईपीएल में अब तक कुल 161 विकेट ले चुके हैं। अमित मिश्रा के अलावा मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने भी टी20 में एक खास उपलब्धि हासिल की है। रोहित टी20 क्रिकेट में 8000 रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। रोहित से पहले सुरेश रैना और विराट कोहली टी20 में 8000 रन बना चुके हैं। इस मामले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल सबसे आगे हैं। टी20 फॉर्मेट में गेल के नाम कुल 12,670 रन है। राइवलरी वीक में कल हुए रोमांचक मुकाबले के बाद आज की टक्कर कोलकाता और बेंगलोर के बीच में। आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हुई बाकी सभी खबरों के लिए आप बने रहें wahcricket.com पर। साथ ही साथ आप हमारे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।